मेरे भाइयों एंड बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अपना मोबाइल किसी को हेल्प करने के लिए देते हो, बात करने के लिए, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि आप ये फोटो हमें स्क्रीन पर लगा सकते हैं, आप देख लो पहले इस फोटो को, गौर से देखो, इसके बारे में हम बताएंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा भाई, बहुत प्यारा भाई, जो भी कहता है हम लोगों को करना पड़ता है। एक बार की बात है, वो 3 दिन खाना नहीं खाया, ऐसा ही पड़ा रहा। तब जाके उसका मोबाइल, मजबूरी में हम लोग कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ किए, तब जाके खरीदे। क्या जी? मोबाइल था 20,000 का। दोस्तों, ऐसे लोन भरते जो है लगभग 24,000 का मोबाइल पड़ गया था, और बहुत मुश्किल से खरीदे थे, बहुत मुश्किल से। और वो मोबाइल खरीद कर चला जाता है नवेडा कमाने, और वहाँ जाके एक फैक्ट्री में, जैसे कि आप लोग को पता होगा एक्सपोर्ट, जहाँ पे शॉर्ट पैंट सूट वगैरह सिलाता है एक्सपोर्ट में, वो काम करने लगा। उसी में एक उसका दोस्त मिलता है, बहुत पुराना दोस्त मिलता है, बहुत जिगरी, एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, सोना रहना, सब कुछ। यहाँ तक कि उस लड़का जो है अपना, यहाँ तक कि ये लड़का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, तो मेरा भाई ने उसे पैसा देकर हेल्प किया। और उसका वाइफ जो है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, वो क्या करने लगा कि पैसा ऐंठने के चक्कर में उल्टा सीधा बात करने लगा। खैर, उस बात को छोड़ते हैं, कुछ लेना देना नहीं है उससे, कोई बात नहीं। लेकिन इसका दोस्त जो है मेरे भाई का, जैसे कि आप फोटो देखे हैं, वो अचानक किया क्या कि शमशाद भाई बिल्कुल घबराते हुए परेशानी में आया एक फैक्ट्री के अंदर। आप सतर्क हो जाइए, जो भी आप कंपनी के अंदर जो भी काम करते हैं, तो आप लोग सतर्क हो जाइएगा। चाहे वो दोस्त क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा मुसीबत में क्यों ना हो दोस्त, आप अपना मोबाइल उसे ना दे। अगर दे तो अपने सामने बात करे और अपना मोबाइल तुरंत ले ले, उसके पास ना छोड़े। मेरा भाई बहुत सीधा साधा था, बहुत सीधा साधा, मेरे सा नहीं, वो छल कपट वाला, या मेरे सा जैसे कि तेज सेंसिटिव की यूट्यूब पर वीडियो बना के एडिट करके अपलोड भी कर सके, इतना भोला भाला मेरा भाई है। लेकिन हाँ, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो यही देख देख कर वो थोड़ा सा रील्स वगैरह बना लेता है। तो ये जो फोटो हम दिखाए हैं, वो जैसे दोस्तियाना हो जाता है तो वो क्या करता है, फोटो ये लड़का उसके फेसबुक पे फोटो डाला था, वही फोटो मैंने दिखाया। हुआ क्या, अब करते हैं मुद्दे वाली बात। बिल्कुल एक बार तो मुसीबत में आया, पैसा ऐंठ लिया, इसका वाइफ भी अलग पैसा ऐंठा, यानी कि दोनों बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये लोग का काम क्या है, हम जब डिपली में हम गए तो हमको पता चला कि लोग का एक ग्रुप है जो बाहर जाता है और बात करने के बहाने फैक्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो काम करने में अजुराए रहते हैं। तो हम सोचे कि आप सभी को ये अवेयर कर दे, थोड़ा सा सतर्क कर दे, मेरा जितने भी व्यूअर है थोड़ा सा सतर्क हो जाए, ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। जे वो बिल्कुल जाता है घबराते हुए, थोड़ा सा मोबाइल देना भाई, बात करना है, और मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। हाँ, कि मेरा मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, और वो मोबाइल आसानी से लेके कंपनी से बाहर निकल जाता है, फिर उस कंपनी में वो दिखाई नहीं देता, समझे। वो कोई भी हो सकता है इंसान, जरूरत नहीं क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसका पूरा एड्रेस मेरे पास है, पूरा फोटो मेरे पास है, इसका लड़का का फोटो मेरे पास है, इसका वाइफ का नंबर मेरे पास है, A to Z है। तो हम इसके ऊपर लेने वाले हैं बहुत बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं। इसको लगता होगा कि मैं बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, महीने का लाखों रुपए ही कमा लेता है इस तरीके से फ्रॉड करके। जैसे कंपनी के अंदर गया और मोबाइल लिया, आज लेकर चला आया, तो डेली ये किसी न किसी को मुला फंसाता है। तो मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई लेने वाला हूँ, जैसे कि पेपर वगैरह में भी इसका फोटो वगैरह आने वाला है, और बहुत बड़ा केस होने वाला है। जैसे वकील से हमने बात कर लिया है फाइनली, और वो वकील मेरे नंबर से इसके ऊपर फोन भी लगाया था, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं इसको अपना वॉइस में लिख कर भी भेजा, बोल कर भी भेजा, लेकिन इसे उसको कोई मतलब नहीं। इसको लग रहा है
के लल्लूपन जो है लोग कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर होने वाला है बहुत बड़ा कार्रवाई, क्योंकि इसका मैंने सब अपना कागज पत्र जुगाड़ कर लिया है, यहीं पे है। हम उसका बड़ा भाई शमशाद, जिसका नाम है, मेरा भाई का नाम शमशाद है, मोबाइल जो चोरी हुआ है उसका बड़ा भाई हम सद्दाम हुए, और यहाँ पे सब कुछ बात कर चल चुका है। और इसका जो है महुआ गाँव है, पूरा डिटेल्स एड्रेस नहीं बताएंगे दोस्त, वो रहेगा पेपर में, और वो पेपर जब भी आएगा हम फोटो खींच के आप सभी को दिखा देंगे, जैसे कि हम आप सभी को थोड़ा सा व्हाट्सएप पे दिखा दे रहे हैं। ये देखिए उसका पूरा डिटेल्स है, ये कैसे निकला, जैसे कि कंपनी में काम करने जाओगे ना तो आपका एड्रेस पूरा ले लेता है, यानी कि डॉक्यूमेंट लेता है, तब आपको कंपनी के अंदर एंट्री होने देता है। तो मैंने जीएम से बात किया, भाई बोला कि जीएम से बात कराओ, जीएम से बात किया और उन्होंने इसका पूरा बायोडाटा निकाल के दे दिया, और ये बंदा फंस गया बुरी तरीके से, लेकिन इसको पता कुछ नहीं चल रहा है। और वहाँ के लोग से भी मुझे जान पहचान है, जहाँ इसका घर है वहाँ के आसपास के लोगों से भी मुझे जान पहचान है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि डायरेक्टली चलो उसके घर। हम कहने कि ऐसे नहीं जाएंगे, इसके ऊपर पहले बहुत बड़ा एक्शन लेंगे ताकि ये किसी और को ऐसा ना करे, नहीं ये किसी और के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि कितना शौक से आज मोबाइल ही सब कुछ है, आप समझ लो, उसका पूरा फोटो उसी में है, पूरा एड्रेस वगैरह जो भी कागज पत्र जो होता है सब भी फोटो उसी में रखता है, फोटो वोटो है, कैसा फोटो है, प्राइवेट है, अनप्राइवेट फोटो है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दोस्त सबसे पहले तो बात है ना कि दोस्त बनकर दोस्त से गद्दारी करना, और पहले पैसे से हेल्प, उसके बाद में मोबाइल लेके भाग आया, और फोन लगाया जा रहा है, तो इसका वाइफ का वही काम ही है फ्रॉड करना, यानी कि दोनों मिला हुआ भगत है। पता नहीं इसका एक लड़का भी है जो मैंने डीपी पे देखा था फोटो, उसका क्या शिक्षा देगा लोग, अब तो भगवान ही जाने। तो फिलहाल हम बता दे रहे हैं इसका नाम क्या है, मोहम्मद, हम नाम भी लेने से थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नबी साहब है ना उनका नाम, ये हम भी मुसलमान है, उनका नाम पर बहुत बड़ा ये धप्पा मारा, मोहम्मद अली राज। पूरा डिटेल्स है, कोई बात नहीं, अब तो थाना में ही बात करेंगे, तो कल जाएंगे हम थाना में, तो हो सके तो ब्लॉग अगर मिले, टाइम मिले, अगर ऑप्शन मिल जाए तो ब्लॉग बनाएंगे, या नहीं तो अलाउ नहीं रहता है थाना में कैमरा, तो ब्लॉग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एफआईआर करेंगे, और ये एफआईआर उसका जहाँ पे थाना है, महुआ थाना है शायद या और कुछ थाना है, देखे हुए हैं व्हाट्सएप पे, पूरा एड्रेस नहीं बता सकते हैं इस वीडियो में पूरा क्लिप। तो चलिए इसी के साथ जो है कल एफआईआर हम करने वाले हैं, पूरा डिटेल्स बहुत भारी एक्शन लेने वाले हैं, और कल मीडिया वगैरह भी जो से वीडियो बना रहे हैं वैसे मीडिया वगैरह का फोटो दे देंगे, तो वो फोटो एड्रेस सब यूज कर सकता है मीडिया वाला, ठीक है। तो बहुत भारी न्यूज आने वाला है, बहुत बड़ा चैनल पे इसका न्यूज आने वाला है, पूरा हो सकता है बहुत सारा न्यूज वाला कवर करे ये न्यूज, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई के चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, बहुत सारा न्यूज वाले से हम संपर्क है, और पेपर भी आउट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम आप सभी का हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अगर कोई भी परेशानी में मोबाइल मांगे बात करने के लिए तो आप लोग ना दे, अगर हेल्प भी करना हो तो दे, बात करें उसी वक्त मोबाइल ले ले। ये फोन पे से फ्रॉड भी करना चाह रहा था, लेकिन मैसेज गिर रहा था क्योंकि भाई का मैसेज नहीं था, जो उस मोबाइल चल रहा था ना उसमें नंबर नहीं था, नंबर मेरे पास था, तो मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉक कराया, अब समझ लो उसका दिमाग क्या है, और लगभग ये 50-60 हजार रुपया वो फ्रॉड कर लेता फोन पे के जरिए, तो इसका यही पैसा है। तो ऐसा कोई भी कर सकता है, तो आप लोग ऐसे सतर्क हो जाए। और वाइफ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मायूस था, तो मैंने इसको बहुत समझाया कि ऐसा कोई बात नहीं, अभी मोबाइल ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था यार, 4 से 5 ही महीने हुआ था, नया मोबाइल था, बट कोई बात नहीं, मोबाइल तो खरीदा जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया, इसके ऊपर FIR और बहुत बड़ा बड़ा न्यूज चलने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप लोग में साहब भी रहा करें, खुश रहे और खुशियां बांटा करें, और ऐसे फ्रॉडर से हमेशा बचा करें, आप लोग बचा करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका जहाँ पे हम घर बताए हुए हैं पूरा इस वीडियो को शेयर कर दे, फैला दे, ताकि ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।